हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है सबके? आए हो आप लोग, सब अच्छे होंगे? फिर से स्वागत है आपके अपने UK20 पंत ब्लॉग्स में। फिर से आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, और आज टाइम है 6:30 सुबह के बज रहे हैं, और 25 तारीख मई, और अभी मैं निकल रहा हूँ घर से चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ से पिकअप है, और चंडीगढ़ लोकल साइट सीन करवाना है, और उसके बाद कल निकल जाऊँगा शिमला के लिए। शिमला, मनाली, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, दिल्ली से अपना आगरा, मथुरा वृंदावन, और मथुरा में ड्रॉप कर देना है। कम से कम 9 से 10 दिन का ट्रिप है मेरा। और मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस मैं कवर करूँगा, वो सारा अपडेट मैं आपको बता दूँगा, आपको दिखा दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आ पाएगी कि कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हम घूम रहे हैं, और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आप लोग कभी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं उस जगह पे, तो कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आप घूम सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे चंडीगढ़ जा कर के सीधे, बीच में वीडियो नहीं बनाऊँगा, सीधे आपको मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, ये चंडीगढ़ का नाम लिखा हुआ है, देखिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, और जो दूसरी गाड़ी ज्वाइन करनी थी वो दूसरी गाड़ी ये खड़ी, इट्यूज़ गाड़ी 8370 PB नंबर वन है। और बस अभी सवारी आती है, सवारी को पिकअप करके फिर चल देते हैं। जहाँ भी जाएंगे आपको मैं अपडेट कर दूँगा, कि होटल जाएंगे या सीधे साइड सीन पर जाएंगे तो आपको बता दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहें, सवारी को भी कॉल कर दिया था मैंने बीच रास्ते में, तो कोई पहुँचने वाली होगी, तो जैसी सवारी आती है तो फिर हम सवारी को पिकअप करके, अगर होटल में चेक इन करना तो होटल में चेक इन कर लेंगे पहले, अगर साइड सीन कराना साइड सीन करवाते हुए फिर आगे को हम निकल जाएँगे। तब तक के लिए आप बने रहें। तो अपने गेस्ट लोग आ चुके हैं, कस्टमर आ चुके हैं, और बस यहाँ से निकलते हैं। इनकी ट्रेन थोड़ा लेट थी, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, और बस चलते हैं यहाँ से। अभी हम पहुँच चुके हैं रॉक गार्डन चंडीगढ़, और ये सारा पार्किंग प्लेस है, आप देख सकते हैं ये सारा का सारा पार्किंग प्लेस है। अपनी गाड़ी कुछ इस तरह से वहाँ पे खड़ी है, देखिए ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये सामने जो है देख रहे हैं। और ये कैमल है, यहाँ पे आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। ये अपना रॉक गार्डन की बाउंड्रीज है, यहाँ पे सारी बाउंड्री बनी हुई है, और यहाँ से रॉक गार्डन के एंट्रेंस है। और ये रॉक गार्डन का सेल्फी पॉइंट है, आप देख सकते हैं रॉक गार्डन ए एंड सी नेक चंद के नाम से सेल्फी पॉइंट है। और ये आपका एंट्रेंस है यहाँ से, और इस साइड से आपका एग्जिट है, यहाँ से बाहर आने का दूसरा रास्ता है, काफ़ी छोटा रास्ता है, आपको अपना सर बचाते हुए यहाँ से बाहर निकलना होता है। ये कुछ स्टैचू, और यहाँ से आप कुछ शॉपिंग वगैरह यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे लेमन पानी वगैरह सारा कुछ, आइसक्रीम वगैरह और बर्फ़ का गोला वगैरह आप यहाँ पे आराम से, भेलपूरी वगैरह आराम से यहाँ से खा सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे रॉक गार्डन बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है, जो भी चंडीगढ़ आता है या फिर शिमला मनाली का टूर होता है तो लोग बाग बहुत से कस्टमर्स जो हैं यहाँ पे भी रुकते हैं। और यहाँ पे रुक करके अपना रॉक गार्डन हो गया और रोज़ गार्डन हो गया, सुखना लेक हो गया, ये सारा कवर करते हुए अपना शिमला मनाली के लिए निकल जाते हैं। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन,
और सुखना लेक, ये तीन प्लेसेस यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं टूरिस्ट प्लेसेस, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी कस्टमर लोग अंदर चले गए हैं, हम लोगों ने उनको ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद अभी देखते हैं कहाँ निकलते हैं, रोज़ गार्डन निकलते हैं या फिर सुखना लेक निकलते हैं, चलते हैं आगे को। यहाँ पे MC आई है, जो कि दिल्ली में MCD बोलते हैं, वो सारे रेडी वालों को यहाँ पे जब्त कर लिया सारा सामान और लेके जा रही है। देखिए काफ़ी गरीब आदमी है, लगे क्या है, काफ़ी सामान वामान सब इनका फैलाया जा रहा है और सब रेडी कर को सब उठा के लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सब कुछ लगाए जाते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पे उठा करके फेंका जाता है। आप देख सकते हैं ये हाल है प्रशासन का, ये चंडीगढ़ का हाल है रॉक गार्डन का। तो आप लोग सब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे गरीब इंसान को परेशान किया जा रहा है, जो कि रेड़ी पटरी लगा करके दो वक्त की रोटी कमाने के लिए यहाँ पे रेड़ियाँ लगाता है और MC आती है यहाँ की और इनको खाली करा करके सब लेके चली जाती है। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ सुखना लेक। सुखना लेक जो है अपना चंडीगढ़ में ही है रॉक गार्डन के पास, और अभी हम रॉक गार्डन में थे, अभी मैं सुखना लेक के पास आ चुका हूँ। और यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के लिए गेम्स वगैरह हैं, झूले वगैरह, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया हुआ है, बच्चे आके अपना यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कार रेस वगैरह यहाँ पे है, आप देख सकते हैं बच्चे इंजॉयमेंट करते हुए एक दूसरे को गाड़ी के साथ टच करते हुए। देखिए और ये है अपना सुखना लेक, मैं आपको सुखना लेक दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी लेक है ये और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता रहता है और शाम के टाइम पे काफ़ी रस रहता है। और ये सारी की सारी कश्तियाँ जो यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, और इस टाइम पे बोटिंग भी हो रही है, हम लोग शाम को आकर के यहाँ पर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से सुखना लेक यहाँ पे बना हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है वहाँ तक पूरा लेक ही लेक है, देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। तो ये है सुखना लेक। अभी हम चलते हैं पार्किंग में, क्योंकि गाड़ी पार्क करके तो गाड़ी में पार्किंग में पहुँचते हैं। और ये था चंडीगढ़ का सुखना लेक, और अभी हम निकलेंगे यहाँ से रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन में भी देखिए इस तरह से यहाँ पे होती है, इस तरह से इसका मूव हो रहा है, देखिए। चलिए पहुँचते हैं हम पार्किंग में और निकलते हैं रोज़ गार्डन के लिए। रोज़ गार्डन भी कस्टमर लोगों को घूमना है तो उनको वहाँ भी घुमा देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। अभी हम सीधे निकलते हैं रोज़ गार्डन के लिए। रोज़ गार्डन भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगा, क्योंकि तो अंधेरा हो गया है तो वीडियो की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ गार्डन दिखा पाऊँ। अदरवाइज़ रोज़ गार्डन नहीं दिखा पाऊँगा तो कोई बात नहीं। और ये पार्किंग प्लेस है सामने सारा का सारा, यहाँ पर आके के आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ये देख रहे हैं सामने आप, रोड क्रॉस हमने कर लिया है, और ये सारी देखिए ये पार्किंग है। और चलिए गाड़ी के यहाँ पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं रोज़ गार्डन में। अगर मैं आपको आपको दिखा पाया तो रोज़ गार्डन में आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ भी सीधे मैं आपको होटल पे मिलता हूँ। पहुँच गए हैं रोज़ गार्डन, मैं आपको पार्किंग से ही दिखा रहा हूँ। ये है रोज़ गार्डन, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रोज़ गार्डन है, काफ़ी बड़ा गार्डन है। अभी अंधेरा हो रखा है, हल्के फुल्के लाइटिंग है
और ये सामने फुवारा चल रहा है पानी का, और ये फ्लावर्स हैं, ये देखिए ये रोज लगे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये है आपका रोज़ गार्डन चंडीगढ़। ठीक है, अब आपको मैं मिलता हूँ सीधे होटल पे जा कर के। हेलो दोस्तों, मैं होटल पहुँच चुका हूँ, होटल रॉयल पार्क रिसोर्ट चंडीगढ़ में, और साइट सीन पूरा कंप्लीट हो चुका है आज का चंडीगढ़ का, और अभी हम होटल में पहुँच चुके हैं। होटल से कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से शिमला के लिए। तब तक के लिए आप बने रहें, और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियोस पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।